दोस्तों कहते हैं ना कि बहुत से धोखे खाने के बाद आदमी विश्वास करना भूल जाता है। तो ऐसा ही दोस्तों आप लोगों के साथ यहाँ पर हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से यहाँ पर बोल रहा था कि आंसर की आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। मैं लेकर आ चुका हूँ दोस्तों आप सभी के सामने सारे प्रूफ, लेकिन आप सभी से एक हाथ जोड़कर छोटी सी विनती है मेरे भाई। मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर की फीलिंग, क्योंकि आपकी आंसर की चेक नहीं हो रही है। लगातार यूट्यूबर बता रहे हैं कि आंसर की आ चुकी है। जब तक आपके आंसर की चेक नहीं होगी, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन मेरे भाई, मेरे साथी, एक बार इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना। आगे आपकी मर्जी है कि आप कमेंट में गालियाँ दें, कुछ भी उल्टा सीधा बोलें, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद ही आप अपना डिसीजन लेना। थोड़े से जो पढ़े लिखे हैं ना मेरे भाई, उसका यहाँ प्रूफ देना मेरे भाई। मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर जो यहाँ पर गुस्सा है, वह मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि आप युवा हैं, गुस्सा जाहिर है। चलिए जानते हैं क्या है प्रूफ। देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैंने वीडियो बना रहा हूँ लगातार, और हर वीडियो में मैं ये बोल रहा था कि मैं इसका दावा नहीं कर सकता हूँ, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब पुष्टि मैं कर रहा हूँ। उसको ध्यान से देख लेना, आंसर की जारी हो चुकी है। वो कैसे आप चेक करेंगे उसका प्रोसेस दोस्तों मुझे नहीं पता है, लेकिन कोडिंग कैसे कोडिंग से आंसर की निकल रही है, मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले इस भाई का आप देखो, यहाँ पर रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम यहाँ पर मैंने छुपा दिया है। वो क्यों? क्योंकि पर्सनल डिटेल्स होती हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें उससे होता है कि आंसर की मैच हुई या नहीं हुई, उसका प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सबर रख लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। लाइक भाड़ में जाने दो, सब्सक्राइब भाड़ में जाने दो, अनसब्सक्राइब करना कर देना बिल्कुल नहीं, लेकिन भाई प्रूफ आपको देना जरूरी है मेरे भाई। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन कब पूछा गया है ये मेरे भाई, ये आया है 22 की फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, कांस्टेबल जीडी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये भाई मैं समझ सकता हूँ एडिट किया हुआ है, आपकी नज़रों में एडिट किया हुआ है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। पहला ये क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर उसमें क्या हो रहा है, सो नहीं हुआ, क्वेश्चन सो नहीं हुआ, वो आगे बताऊंगा कैसे दिखाई देता है। फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन आया या नहीं आया 22 की फर्स्ट शिफ्ट में, इसके लिए आपके सबसे प्यारे गुरुजी, जो हर कोई विश्वास करता है, उनकी वीडियो, उनका दोस्तों वीडियो दिखाता हूं। देखो सब लोग जानते होंगे इनको, टॉप ट्रेंडिंग जीके पर भाई इन्होंने डाली थी दोस्तों, 3 वीक पहले की वीडियो है, 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की इन्होंने दोस्तों अपने पेपर में। देखो इनको जो लोग बताते हैं वही वीडियो बनाते हैं ये, ठीक है, ये जो बताते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं जो अभी आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर दूसरा था कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये देखो वही क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गया, फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं, पहला क्वेश्चन मिला, चलिए एडिट हो सकता है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आ गया, चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं और आगे। देखो कथक क्या है, एरर हो गया, क्योंकि कोडिंग से निकाला है इसलिए आंसर सो नहीं हुआ। अगर भाई साहब किसी ने ये इसको एडिट किया होता ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, एडिट किया हुआ है नहीं है, ठीक है। इधर दोस्तों मैंने यहाँ से जो है, इधर देखिए, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे हैं भाई ने यहाँ पर बोलने के लिए कि आप जो बोल रहे थे पुष्टि नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वीडियो में बताइए कि ये पूरे आंसर की निकल रही है। तो देखो यहाँ पर ये कथक क्या है, ये आपको दिखाई दिया, और देखो इन्होंने दोस्तों अपने ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि कथक किसका संयोजन है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है भाई, ठीक है, देखते रहना आगे तक, तभी कमेंट करके जाना प्यारे साथी, तभी कमेंट करके जाना जो भी आपको बोलना है, मैं आपको आगे अपना डिसीजन ही बताऊंगा कि क्या है। देखो फिर आगे चलते हैं दोस्तों, देखो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है, और राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है, ये क्वेश्चन आया 22 की फर्स्ट शिफ्ट में। भाई जिसका भी 22 की फर्स्ट शिफ्ट को एग्जाम में, पूरा 100% प्रूफ के साथ बताना कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, आपको कसम है दोस्तों कि झूठ मत बोल के जाना, बस थोड़ा सा बस यहाँ पर हमारा भी सहयोग करना, आपने जो बोलना है बोल देना भाई। लेकिन देखो यही क्वेश्चन, देखो नंबर 2 पर लिखा है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये उन्होंने बताया है दोस्तों, कहाँ पर, टॉप ट्रेंडिंग जीके वालों ने ही, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, और 22 की फर्स्ट शिफ्ट में बताया है, ये वही क्वेश्चन बताते हैं जो बच्चे बताते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, मैं सारे क्वेश्चन मिला के दिखा रहा हूँ आपको। साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया, 1928 में भेजा गया, सब जानते हैं, ठीक है। ये देखो भाई क्वेश्चन पता है, साइमन कमीशन भारत कब आया, थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है, क्योंकि आपको पता है वही चीज़ है, ठीक है। उन्होंने सारे प्रूफ दिए हैं, और देखो 22 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का ही है ये, देखो ठीक है। और देखो यहाँ पर 3 वीक पहले का है, आप जाके खुद चेक कर लेना, या जिनका भी दोस्तों 22 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे भाई प्यारे साथी। रुकना मत आज, क्योंकि आज यहाँ पर प्रूफ की बात है, हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, आज साफ पूरा पूरा साफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखो मनकोम्बु संबा
संबा सिवन स्वामीनाथन, मतलब स्वामीनाथन जी थे जिन्होंने दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने भी क्या बताया अपने वीडियो में कि हरित क्रांति का जनक कौन है, यहाँ पर खुद देख रहा मेरे भाई, कमेंट बता देना अभी, लाइक गया बाहर में, सब्सक्राइब भी, तेल लेने में डायरेक्ट बोलता हूँ जिसको भी भाई मैं विश्वास समझ सकता हूँ, आपके आंसर की नहीं निकल रही है, बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे मेरी निकाल के दिखा तब विश्वास करूंगा, ये बोल रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, ये बोल रहे होंगे मेरी दिखाना निकाल के क्यों नहीं निकाल रहा है मेरी, समझ लेना मेरे भाई कोडिंग से निकल रही है, लेकिन मैंने आंसर की नहीं निकाली है, उस भाई ने मुझे भेजी है जिसने भी दोस्तों निकाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखिए ये एसएससी जीडी 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है, और देखो यही क्वेश्चन आया है नहीं आया है। ठीक है, मेरे पास सारे क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, जो भी आए हैं वो दिखा रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, मुकेश रतन टाटा को दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखो फुटबॉल खेल, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था मैंने दिखाया था। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा आंसर में मिसमैच कर दिया, आंसर में फुटबॉल लिख दिया है, ये आप चेक कर लेना जाके। ठीक है मेरे भाई, ये और भी क्वेश्चन आए थे, गुरुपुरु कौन मनाते हैं, ठीक है, पंडित रविशंकर किस वाद्य से संबंधित है, ये और भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो राधा श्रीधर को भारत में किस शास्त्रीय नृत्य के लिए उन्हें योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, और देखो यही क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, रुको एक मिनट, यही क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, देखो राधा श्रीधर, ये वाला देखो राधा श्रीधर, भाई साहब इतने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं ना, अगर अब भी आपको प्रूफ नहीं है तो फिर भी आप कुछ भी कमेंट करके जा सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग बोलते थे कि फेक है फेक है फेक है, भाई साहब इतना ज़्यादा सर में दर्द होता है ना कि पूछो मत, इतनी मेहनत करने के बाद आपको वीडियो बनाओ फिर भी लोगों को लगता है कि फेक है, लेकिन भाई अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आपको क्या लगता है, सारी चीज़ आप बताना मेरे भाई, मैं आपको सारे प्रूफ यहाँ पर दे चुका हूँ, और ये PDF मैं दोस्तों आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ना, वहां से PDF डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैंने आपको यहां बताया है 100% प्रूफ के साथ आपको दिखाई है सारी चीजें, अगर आप अब भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं मेरे भाई, क्योंकि देखो अभी आपको विश्वास क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके आंसर की नहीं निकल रही है, ये बताऊं ये कोडिंग का मतलब क्या होता है, कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप Ctrl+U दबाएंगे, Ctrl+F दबाएंगे, F से करेंगे, उस तरीके से निकल जाएगी, और तरीका भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल काम है, इसमें लाखों तरीके से दोस्तों काम हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता है, जैसे Ctrl+ दोस्तों आपको पता है Ctrl+P से ही दोस्तों प्रिंट होता है, लेकिन और भी तो दोस्तों फंक्शन होते हैं कि प्रिंट करने के, आपको पता होगा आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा, लेकिन इस तरीके से ही दोस्तों आपकी बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं निकल रही है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोडिंग से निकल रही है, प्रूफ मैंने आपको 100% सारे दिखा दिए, अब आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट के आएंगे कि मेरी निकाल के दिखा भाई तब मानूंगा, मुझे विश्वास नहीं होगा, तो मैं आपसे सिर्फ इसका एक ही जवाब दूंगा मेरे भाई कि आंसर की मैंने नहीं निकाली है, बहुत सारे बच्चे जितने भी परेशान घूम रहे हैं कि हमारी निकाल के दिखाना, और एक और सवाल, एक और वादा आपसे मैं ये करता हूं कि जब आपकी आंसर की सबके सामने दोस्तों सार्वजनिक हो जाएगी, सब आप चेक कर लेंगे ना, तब आप बोलेंगे कि हाँ प्रिंस सर ने सही बोला था, तब आपको विश्वास होगा, क्योंकि भाई साहब एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब तक दोस्तों पूरा गांव खाली नहीं हो जाता ना, तब तक वहां पर जो है, मतलब ये कहावत कौन सी है, जब तक पूरा गांव दोस्तों एक तरफ नहीं चलता है ना, एक दूसरी तरफ चले तो गांव वाले उसको टोकते हैं, अरे कहां भाग रहा है इधर चलना, सारी लाइन में चलते हैं ना, सब लाइन में चले जाते हैं, उस भाई को जो भटकता है ना, इधर उधर भटकता है, उसको सब लोग पागल ही बोलते हैं, क्योंकि वो लाइन से अलग चल रहा है, तो इसलिए सब लोग मुझे यहाँ पागल कुछ भी बोल रहे हैं, मैं विश्वास, मैं आपकी बातों को मान रहा हूँ, क्योंकि ये होता ही है, जब तक सारा कुछ नहीं दिखा दो ना, तब तक लोग पागल ही समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ भाई आपकी फीलिंग को, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपकी आंसर की नहीं निकले मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आपका नहीं निकल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपका सारी चीज़ों का मैं बिल्कुल दोस्तों ऐसे मोई, मुझे कोई घबराहट नहीं है, कोई भी दोस्तों उल्टा सीधा आप मुझे बोल रहे हैं, एक छोटे भाई के नाते बोल रहे हैं, एक छोटा भाई आपको बता रहा है, क्योंकि मैं खुद SSC GD में सेलेक्टेड हूँ, तो मैं आपके सामने फर्जी खबर नहीं ला सकता, क्योंकि आपके फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, और टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जितने भी यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई है मेरे खिलाफ कि आपने झूठ बोला है, मेरे झूठ बोला है, उनको भी बता देना कि भाई साहब प्रिंस भाई झूठ नहीं बोलते हैं, प्रूफ के साथ विश्वास दिलाते हैं, और हाँ कोडिंग से आंसर की नहीं निकल रही मेरे भाई, वो वाला कोड है, लेकिन ये कभी कभी दोस्तों मिसमैच हो रहा है क्वेश्चन, देखो मिसमैच भी मैं आपको दिखा रहा था कि क्वेश्चन भी मिसमैच हो जा रहा है वहाँ से बार बार, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ कि देखो जैसे वो क्वेश्चन आया था ना, जैसे आपका देखो ये कथक वाला, ये मिसमैच हो गया था, एरर हो गया था, ठीक है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से आंसर की नहीं निकल रही है, कुछ क्वेश्चन मैच मैंने आपको करके दिखा दी है, बाकी सारी आंसर की दोस्तों नहीं हो रही है, लेकिन अब आप बोलेंगे भैया पूरी तरीके से कब आएगी, तो देखो भाई जब आ जाएगी तो सबको पता चली जाना है, ठीक है, हमारा काम था सबको आगाह करना, हमारा काम होता है सबको भाई
बताना कि ये रियल है, क्योंकि आरोप जब लग जाते हैं ना तो उनको दोस्तों उनको बताना कि हम आरोप हमारे ऊपर जो लगे हैं वो गलत हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है आंसर की। तो आपको स्टडी फॉर जीनियस हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, और मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि आपको क्या लगता है 22 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आई है नहीं आई है, मिस तो मैच हो रही है भाई, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको भी चेक करना है देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं यहाँ पर फालतू की बकवास कर रहा हूँ, सबको पता चल जाएगा, पिन कर दूंगा, जाके देख लेना, PDF को डाउनलोड कर लेना और मैच कर लेना कहीं से भी, ठीक है। जिसका भी भाई एग्जाम था वो बता देना कि हाँ भाई मैच हो रही है, इतना ही कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कमेंट में क्या बोले, जो बोलना है बोल सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल मंजूर है। क्योंकि अभी मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान है, रात भर सोए नहीं है, आंसर के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, तो अंदर से गालियाँ निकल ही जाती हैं। मैं समझता हूँ जो किसी को कोई ज़्यादा ही परेशान कर देता है तो अंदर से गालियाँ निकलती हैं, इसमें गलती आपकी नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो प्रूफ दिखाया है, अगर इसके बाद भी आप गालियाँ देते हैं तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, उसके बाद आप अपने संस्कार दिखाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है मेरे भाई। सारे प्रूफ मेरे आपके सामने हैं, और ज़्यादा देखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, मुझे कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइब से या दोस्तों आपके व्यूज से, कुछ भी करने से, मत करिए। बस मुझे ये था कि जो आप लोग के अंदर वो जो गलत फहमी लोगों ने बैठा दिया है कि आंसर की नहीं आई है, बस उसको दोस्तों यहाँ से मैंने साफ करना था, वो मेरा काम हो गया है, बस इतना ही मुझे करना था। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिनका भी 22 तारीख का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, मेरे भाई आपसे बस थोड़ा सा इतना ही मैं आपसे मांगूंगा, इतना ही दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार कमेंट में जरूर बोल देना कि हाँ मैच हो रहा है या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।